हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा मंच के इस यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आपके लिए एक और बहुत बेहतरीन वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यानी हमारे पास कौन सी वैकेंसी आ चुकी है, EMRS की। ठीक है, EMRS की वैकेंसी है, जिसका काफ़ी दिनों से यहाँ पर कयास लगाया जा रहा था कि बहुत जल्दी इसके फॉर्म जो है भरने वाले हैं। इसके अंतर्गत हमारे पास प्रिंसिपल है, और इसके अलावा PGT है, उसके अलावा कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि नॉन टीचिंग हैं, वो यहाँ पर निकल चुकी हैं। उनकी फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है और उनकी एलिजिबिलिटी आ चुकी है, तो वो सब अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए देखना शुरू करते हैं अपन इसको। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है, इस वैकेंसी में अगर हम सबसे पहले देखें तो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो यहाँ पर क्या रखी गई है, 31 जुलाई यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, और जो फॉर्म भरे जाएंगे वो किस मोड में भरे जाएंगे, ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। और इस फॉर्म की जो फीस रहने वाली है, अगर आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2000 रुपये देने हैं, अगर आप PGT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1500 रुपये देने हैं, और अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कितने देने हैं, 1000 रुपये देने हैं। तो यहां पर अपन को ये चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसके अलावा और महत्वपूर्ण चीज जो इसमें आती है उसे हम लोग देख लेते हैं। किस चीज की, किस पद की कितनी वैकेंसीज आई हैं वो अब मैं आपको बता देता हूं। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहां पर 303 पद निकाले गए हैं, PGT के लिए सर्वाधिक 2266 पद निकाले गए हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है ज्यादातर, अधिकतर राज्यों में इसको फर्स्ट ग्रेड टीचर भी, स्कूल लेक्चरर भी कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद अकाउंटेंट के 361 पद निकले हैं, जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट के, जिसे JSA भी कहते हैं, 759 यानी 759 पद निकले हैं, लैब अटेंडेंट के यहाँ पर 372 पद निकले हैं, और कुल मिलाकर जो पद निकले हैं वो 4062 पद निकले हैं। अच्छी खासी वैकेंसी स्टूडेंट यहाँ पर आपके लिए होने वाली है, तो आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, और अपनी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आप हमारी ऐप परीक्षा मंच को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर जाकर, वहां आपको आपकी तैयारी के लिए सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो EMRS की वैकेंसी को आप टारगेट करिए, टारगेट करके आप इस वैकेंसी के लिए पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, आगे चलिए मैं आपको कैटेगरी वाइज भी बता देता हूँ भाई, किस में कितने पोस्ट निकली हैं और क्या यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पर मैं बात करूं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल में जो अनरिजर्व है उसके 125 पद निकले हैं, EWS के 30 हैं, OBC के 81 हैं, SC के 45 हैं, ST के 22 हैं, टोटल मिलाकर कितने हैं, 330, इसमें OH के 13 भी हैं। अब बात करें हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि टीचर यानी किसकी, PGT की। तो PGT की अगर अपन बात करते हैं तो इंग्लिश में काफी अच्छी पोस्ट, 246 पोस्ट निकली है, हिंदी में 200 पोस्ट हैं, मैथ में 244 है, केमिस्ट्री में 169 है, फिजिक्स में 179 है, बायोलॉजी में 236 है, हिस्ट्री में 185 है, ज्योग्राफी में 154 है, कॉमर्स में 140 है, इकोनॉमिक्स में 161 है, कंप्यूटर साइंस में 172 पद यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए आप, तो कुल मिलाकर ये जो पद हमको दिखाई दे रहे हैं कितने हैं, 2086 यहाँ पर पद दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग, अब PGT के बाद आगे की जो वैकेंसीज हैं उसमें भी देख लेते हैं, कि इसमें यहाँ पर हमारे अगली होने वाली है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, वो तो कौन सी थी, PGT की थी, और PGT के अलावा जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, जो कि ऑफिस वर्क वगैरह का काम करेंगे, ऑफिस वर्क का, उनके लिए यह है। तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर अपने जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट की है। ठीक है, दूसरी अकाउंटेंट की आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद लैब अटेंडेंट की रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर मैं जूनियर उसकी बात करें हम सेक्रेटरेट असिस्टेंट की, तो कुल मिला के 759 यहाँ पर पोस्ट है, जिनमें से अनरिजर्व 311 है, EWS 75 है, OBC की 204 सीट आई है, SC की 113, ST की 56 है यहाँ पर,
और अकाउंटेंट की बात करें तो कुल मिला के 361 हैं। बाकी जो इनकी कैटेगरी है वो आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद लैब अटेंडेंट की बात करो तो 373 कुल मिला के पोस्ट हैं। तो जो नॉन टेक्निकल पोस्ट आई है, नॉन टीचिंग पोस्ट आई है सॉरी, तो नॉन टीचिंग पोस्ट हमारे पास 1493 देखने को मिल रही है। चलिए आगे चलते हैं इसमें, हम अब थोड़ा इन पोस्ट के बारे में और जानकारी कर लेते हैं। जो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल के लिए जो सब्जेक्ट सिलेबस है वो आगे मैं बता दूंगा क्या रहने वाला है। इसकी जो पे मैट्रिक्स लेवल 12 रहने वाली है, अच्छी खासी तनख्वाह है, लेकिन एक्सपीरियंस भी इसमें काफ़ी अच्छा मांग रहे हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी जो है, इसके सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, थर्ड लैंग्वेज एंड कंप्यूटर साइंस। इसकी पे लेवल 8 है यहाँ पर, जिसकी 47,600 से 151,100 तनख्वाह होती है। अकाउंटेंट, जेएसए और लैब अटेंडेंट की भी क्या है, लेवल 6, लेवल 2 और लेवल 1 की सैलरी यहाँ पर बताई गई है। अब आगे चलते हैं अपन। तो यहां पर अब अपन एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न में हम लोग क्या देखते हैं, प्रिंसिपल के एग्जाम को। प्रिंसिपल के एग्जाम में क्या होने वाला है, 130 मार्क्स अपने, और लैंग्वेज जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है वो 20 नंबर का होने वाला है, और पर्सनालिटी टेस्ट जिसे इंटरव्यू कहते हैं वो 40 नंबर का आपके होने वाला है। इनके यहां पर अगर बात करें टेस्ट की, तो इसको 5 पोर्शंस में डिवाइड किया है। 5 पोर्शंस में मिलके 150 क्वेश्चन आएंगे, जो 150 नंबर के होंगे, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होने वाला है, और कुल मिलाकर 3 घंटे का पेपर इनके होने वाला है। इसके जो आने वाली है चीजें, उसमें पार्ट 1 में आपके रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाएगा, पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस आ जाएगी, पार्ट 3 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो है दोनों आ जाएंगी। ठीक है, दोनों से 10-10 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहने वाले हैं। इसके बाद एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स आएंगे, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस जो है, इसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 50 नंबर के रहने वाले हैं। तो ये किसके लिए है, ये प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। इसके बाद हम चलते हैं, जो कि ज्यादातर लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं वो कौन सी है हमारे पास, वो है पीजीटी की। ठीक है, अब पीजीटी की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो इसमें भी जो पार्ट है वो 6 होने वाले हैं, और इनमें क्या होने वाला है देखना। पार्ट A में आपके जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आने वाले हैं, पेपर वही 3 घंटे का होगा। पार्ट B में रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आने वाले हैं। नॉलेज ऑफ ICT, इसमें आपको 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, ये 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आने वाले हैं। इसके पास डोमेन नॉलेज किसकी, सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सिलेबस जो है, जो कि जल्दी ही NESTS की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा, उसके प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज बेस्ड पेडोलॉजी एंड स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है, उसके अलावा NPE नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, इसके क्वेश्चन मिलकर कुल मिला के 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, 80 नंबर के आने वाले हैं। तो टोटल कितने हो गए, 130 क्वेश्चन 130 नंबर के यहाँ पर हो गए। इसके बाद हम करें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश के 10 नंबर के आएंगे। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचुरल नेचर ओनली विद मिनिमम 40%, मतलब आपको 40% नंबर इसमें कम से कम जो है वो लाने पड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आता है हमारा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। इसमें भी अपने 5 पार्ट होने वाले, पहले में वही आपके रीजनिंग एबिलिटी है, उसके बाद आपके एप्टीट्यूड आने वाला है, जनरल अवेयरनेस आने वाली है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें इंग्लिश और हिंदी आने वाली है, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन जो है ये आने वाला है। तो ये भी आपके 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको 130 प्रश्न आने वाले हैं, 130 नंबर के ये होने वाले हैं। चलिए आगे चलिए। इसके बाद हम देखते हैं लैब अटेंडेंट की, तो लैब अटेंडेंट के भी 4 होने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आ जाएगी। टोटल इनके 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, 120 नंबर के, और 2.5 घंटे का इनका पेपर कुल मिला के होने वाला है। ठीक है, फिर अपन आगे चलकर देखते हैं इसमें, और जो महत्वपूर्ण सूचना आपको इसमें देनी है वो हम लोग दे देते हैं।
ये देखिए यहां पर अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या चाहिए, 50 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो एसटी एससी ओबीसी और जो अदर कैटेगरी है उनमें मिल जाएगा, और अप टू 55 ईयर्स तक के जो है इसमें दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं, एकेडमिक में मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल हैविंग 12 ईयर कंबाइंड एक्सपीरियंस विद वाइस प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी मिनिमम 4 ईयर ऑफ पीजीटी एंड अबोव। मतलब आपको 12 साल का टोटल होना चाहिए, उस 12 साल में से 4 साल या उससे ऊपर तो पीजीटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अब। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर पीजीटी का, ठीक है, किसका, पीजीटी का। तो पीजीटी की मैं बात करूं तो जो एज रखी गई है वो 40 साल यहां पर रखी गई है, ठीक है। अब इसकी बात करूं मैं क्वालिफिकेशन की, तो आप क्या होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके अलावा भी बीएड तो आपको होनी ही चाहिए, और आप क्या चाहिए, इंग्लिश पीजीटी में हो तो इंग्लिश में डिग्री होनी चाहिए, हिंदी तो हिंदी, फिजिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स, मतलब जिस सब्जेक्ट में आपकी पीजी है उसी सब्जेक्ट में आप, सीधी सी बात है, यहाँ पर जो एग्जाम है वो देने वाले हो, ठीक है। आगे चलिए, अब आती है हमारे पास पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। तो इसमें आपको क्या चाहिए, एमएससी हो या अपने एमटेक हो वो चल जाएंगे। अकाउंटेंसी की बात करूं मैं यहाँ पर अकाउंटेंट की, तो आप क्या है, 30 साल से बड़े यहाँ पर नहीं होने चाहिए, अकाउंटेंट में 30 साल है, ठीक है। इसके अलावा डिग्री कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, आपको क्या चाहिए, कॉमर्स में डिग्री चाहिए यहाँ पर, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट की बात करूँ जेएसए की, तो यहाँ पर 30 साल इसकी उम्र रखी गई है, और आपको क्या है, सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एंड जो भी अपने स्पीड होनी चाहिए इसमें टाइपिंग की वो 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग एंड 30 वर्ड्स मिनिमम इन हिंदी। ये मिनिमम है आपके, इसमें टाइप टेस्ट होने वाला है, टाइप टेस्ट में जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उस हिसाब से आपके इसमें फिर नंबर आने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर तो एज रिलैक्सेशन है जो कैटेगरी के हिसाब से सबको मिली जाएगा। तो ये सारी बातें जो है आपके हो चुकी हैं, मैंने आपको बता ही दिया है भाई फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपके पास क्या रहने वाली है, ठीक है। ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो आपको अब करना क्या है, आपको फटाफट से हमारी जो एप्लीकेशन है परीक्षा मंच, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ताकि आप इस एग्जाम जो कि ईएमआरएस का होने वाला है इसमें आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। और अच्छी सफलता के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो हमारे एप्लीकेशन का लिंक है वहां जाकर एक तो आप सभी क्लासेस की पैनल पीडीएफ ले सकते हैं, और उसके अलावा जो भी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं और बहुत जल्द हमारा ईएमआरएस स्पेशल कोर्स भी आने वाला है, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो फटाफट से जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।